नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल P4 पोर्टफोलियो में। आज हम बात करने वाले हैं बंधन बैंक के बारे में। बंधन बैंक में भयानक गिरावट आज हमें देखने को मिली है, 10% से भी ज़्यादा की गिरावट देखने को मिली है। तो इसका रीज़न क्या है, कोई इंटरनल रीज़न है क्या, या फिर हमें कोई फंडामेंटली वीक न्यूज़ हमें यहाँ पर आती हुई नज़र आ रही है, क्या है रीज़न उसको भी जानेंगे, और साथ ही साथ चार्ट्स पर जानेंगे कि नेक्स्ट सपोर्ट कौन सा है और क्या ये एक अपॉर्चुनिटी हो सकती है यहाँ पर बाइंग करने के बारे में, उसके बारे में भी बात करेंगे। तो आप देख सकते हैं बंधन बैंक का लास्ट ट्रेड प्राइस है 308 रुपीज़, जो कि हमें 10.52% नीचे दिखाई दिया है। भयंकर गिरावट आई है, 52 वीक लो है 152 रुपीज़, जिससे ये अभी भी हमें डबल होता हुआ ही नज़र आ रहा है, लेकिन अपने 52 वीक हाई 650 के लेवल से हमें 50% से भी ज़्यादा के करेक्शन पे अवेलेबल है। अगर बात करें वैल्यूएशन के बारे में तो आप देख पाएंगे मार्केट कैप है 50,000 करोड़ के आसपास, पी रेशियो 18.14 है, इंडस्ट्री का पी है 24.92, प्राइस टू बुक रेशियो है 3.31। डिविडेंड यहाँ पर दिखाई नहीं दिया है क्योंकि काफ़ी समय से डिविडेंड यहाँ पर नहीं दिया है बैंक ने। डिलीवरेबल्स की बात करें तो 18% की डिलीवरी हमें यहाँ पर दिखाई दे रही है, जो कि हल्की सी हम कह सकते हैं वीक डिलीवरी दिखाई देती है। तो अब चलिए वो रीज़न को भी जान लेते हैं जिसकी वजह से यहाँ पर भारी गिरावट देखने को मिली है। तो रीज़न आपके सामने है, बंधन बैंक शेयर स्टम्बल 8% ऑन बस ऑफ प्रमोटर सेलिंग 20% स्टेक, यानी कि यहाँ पर बंधन बैंक के जो प्रमोटर्स है अपना 20% स्टेक बेच रहे हैं और इसी के कारण हमें भारी गिरावट देखने को मिल रही है। तो क्या प्रमोटर स्टेक बेच रहे हैं यानी कि कंपनी में कोई गड़बड़ आ गई है, कंपनी फंडामेंटली वीक हो गई है? तो ऐसा नहीं है। द मूव इज़ अ पार्ट ऑफ द बैंक्स एफर्ट टू ब्रिंग डाउन प्रमोटर शेयर होल्डिंग इन द प्राइवेट लेंडर टू मीट द रिजर्व बैंक ऑफ इंडियाज रेगुलेटरी नॉर्म्स। तो RBI के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं कि एक बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो होते हैं बैंक्स में प्रमोटर्स एक लिमिट से ज्यादा होल्डिंग नहीं रख सकते हैं, तो उस लिमिट के अंदर आने के लिए ही बंधन बैंक के प्रमोटर ने यहां पर सेलिंग की है। तो यहां पर कोई ऐसा नहीं है कि फंडामेंटली वीक हो चुका है शेयर, लेकिन ज्यादा वॉल्यूम्स हो गए, ज्यादा यहां पर हमें सेलिंग प्रेशर बढ़ता हुआ नजर आता है। 20% का स्टेक यहां पर बेचने को निकला है तो हमें थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर तो जरूर दिखाई देगा और उसी के कारण हमें बंधन बैंक में गिरावट देखने को मिल रही है। यहां पर कोई भी फंडामेंटली वीक न्यूज अभी भी बाहर नहीं आई है। चलते हैं चार्ट्स पर, वहां पर कैसी सिचुएशन बनी हुई है उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि 150 के आसपास सपोर्ट लेने के बाद शेयर में धमाकेदार तेजी देखने को मिली थी, 400 के आसपास स्टॉक ऑलरेडी पहुंच चुका था, लेकिन उसके बाद हमें वीकनेस यहां पर साफ साफ नजर आ रही है। करंट सिचुएशन के बारे में बात करें तो ये 200 डेज के ऊपर जाने की कोशिश कर चुका था, सक्सेसफुल हो चुका था, लेकिन वहां पर सस्टेन नहीं हो पाया और थोड़ी सी वीकनेस तो बाद में शुरू हो ही चुकी थी। और उसके बाद ये जो स्टेक सेल की बात है उसमें आप देख सकते हैं यहां पर गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिली और 10% के आसपास गिरावट भी हुई है, सारे मूविंग एवरेज के नीचे फिलहाल ये ट्रेड करता हुआ नजर आता है। अगर बात करें इंडिकेटर्स के बारे में तो मनी फ्लो इंडेक्स का नंबर कैलकुलेट होकर आता है 32.88, यहां पर इतनी भयंकर गिरावट के बाद भी अभी भी ओवरसोल्ड कैटेगरी में एंटर नहीं हुआ है। अगर बात करें इसके RSI के नंबर के बारे में तो RSI का नंबर है 40.5, यहां पर भी वीकनेस जरूर दिखाई दी है लेकिन ओवरसोल्ड कैटेगरी यहां पर अभी भी दिखाई नहीं दी है। MACD के बारे में भी बात कर लेते हैं तो MACD में ऑफकोर्स बेयरिश क्रॉसओवर ही देखने को मिलेगा, काफी समय पहले बेयरिश क्रॉसओवर हो चुका था और उसके बाद अच्छी खासी गिरावट भी हमें देखने को मिली है। बॉलिंजर बैंड के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे बॉलिंजर बैंड के अपर बैंड के आसपास रेजिस्टेंस फेस करने के बाद स्टॉक में गिरावट आई और आप देख सकते हैं लोअर बैंड के आसपास स्टॉक फिलहाल हमें ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है, लोअर बैंड से भी नीचे जाता हुआ ही नजर आ रहा है। लोअर बैंड है 313 का लेवल, मीडियन की बात करें तो वो है 351 का लेवल, अपर बैंड जो है वो है 390 के आसपास का लेवल। पिवट पॉइंट्स को अगर जानेंगे तो हमें पता चलेगा पिवट लेवल है 354 के आसपास का लेवल, जिससे स्टॉक नीचे ही ट्रेड कर रहा है। सपोर्ट के बारे में बात करें तो यहाँ पर 306 का सपोर्ट हमें बनकर आता है, जिसके आसपास ही टुडेज लो हमें दिखाई दिया और उसके बाद थोड़ी सी रिकवरी भी हमें दिखाई दी है, तो इस सपोर्ट को इसने रिस्पेक्ट किया है। अगर ये सपोर्ट भी आगे टूटता है तो यहाँ पर जो दूसरा पिवट पॉइंट्स का सपोर्ट है वो है 267 के आसपास का। ऊपर के लेवल्स के बारे में भी एक बार बात कर लेते हैं, जो कि 393, हालांकि यहाँ पर सेलिंग प्रेशर बढ़ा है तो यहाँ पर थोड़ा सा स्टेबल होने में समय लग सकता है। ऑल टाइम चार्ट पर चलते हैं, जहां पर एक कैंडल 1 मंथ को रिप्रेजेंट करेगी, जिससे हमें पता चलेगा कैसी मूवमेंट वहां पर बनती हुई नजर आ रही है। तो आप देख सकते हैं लिस्टिंग के बाद तेज़ी हमें देखने को मिली थी लेकिन वो तेज़ी ज़्यादातर टिकी नहीं और वापस हमें गिरावट देखने को मिल रही, और 1-1.5 साल तक ये एक ही रेंज में ट्रेड कर रहा था, जो कि था 400 से 600 की रेंज, लेकिन वो रेंज भी टूट गई जब मार्केट में गिरावट आई और ये 150 के आसपास आ चुका था। उसके बाद रिकवरी अच्छी दिखाई दी लेकिन 20 मंथ्स का जो EMA था वो था 407 के आसपास, वहीं पर स्टॉक को रेजिस्टेंस फेस करना पड़ा और स्टॉक में हमें गिरावट देखने को मिली है। अगर बात करें यहाँ पर पोजिशंस के बारे में, अगर आपने बहुत ही ज़्यादा ऊपर पोजिशन बनाकर रखी है तो मेरा
और ना यहाँ पर ज़्यादा चिंता की जरूरत नहीं है। ओवरऑल अच्छी बैंक है, यहाँ पर आप कंटिन्यू होल्डिंग कर सकते हैं। और जो गिरावट देखने को मिली है उसके पीछे कोई फंडामेंटल रीज़न नहीं है। यहाँ पर RBI के जो रूल्स या रेगुलेशन होते हैं उसके साथ कंप्लाई करने के लिए यहाँ पर प्रमोटर्स को अपना माल बेचना पड़ रहा है। अगर बात करें, आपने यहाँ पर नीचे पोजीशन बनाकर रखी है, आप अभी प्रॉफिट में चल रहे हैं। अगर आपने लॉन्ग टर्म के लिए लिया है तो नो डाउट यहाँ पर कंटिन्यू होल्डिंग कीजिए, लेकिन अगर आपने शॉर्ट टर्म के लिए लिया है तो ये तो फिलहाल मानना पड़ेगा कि यहाँ पर वापस तेजी आने में थोड़ा सा समय लग सकता है। यहाँ पर सिचुएशन कैसी बनकर आती है, थोड़ी सी स्टेबिलिटी आने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है। अगर बात करें यहाँ पर फ्रेश बाइंग के बारे में, तो मेरा मानना है कि जो करंट मार्केट प्राइस है 300 के आसपास बुरा नहीं है यहाँ पर एग्रेसिव इन्वेस्टर और एक्टिव इन्वेस्टर्स के लिए बाइंग के लिए, क्योंकि हमने देखा यहाँ पर पिवट पॉइंट्स का सपोर्ट भी बनकर आता है। बॉलिंजर बैंड के लोअर बैंड के भी स्टॉक नीचे निकल चुका है, तो अगर आप करंट मार्केट प्राइस के आसपास जाने की जो 300 की जो रेंज है वहाँ पर बाइंग के बारे में सोचते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, तो ये स्टॉक बुरा नहीं है। लेकिन जैसे कि हमें पता है BFSI सेक्टर काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल होता है और काफ़ी ज़्यादा टेंशन में अभी यही सेक्टर रहे। बैंक्स को NPS की प्रॉब्लम्स आगे आने वाले दिनों में बढ़ सकती हैं, तो यहाँ पर जो कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हैं, एक्टिव इन्वेस्टर नहीं है, वेट करना चाहते हैं, पेशेंस रखते हैं, उनके लिए भी लेवल में ज़रूर बताना चाहूँगा जो कि है 250 के नीचे के लेवल्स, उसके पहले यहाँ पर बाइंग नहीं बनती कंजर्वेटिव इन्वेस्टर के लिए। तो यहाँ पर हमने देखा है 200 के आसपास स्टॉक ने सपोर्ट लिया और वापस तेज़ी दिखाई थी, और साथ ही साथ 250 के आसपास भी स्टॉक ने सपोर्ट लिया था और वापस हमें भयंकर तेज़ी देखने को मिली थी। तो 200 से 250 की जो रेंज है वहाँ पर बाइंग के बारे में सोचा जा सकता है लॉन्ग टर्म के लिए, जो कि पेशेंस रखते हैं, कंजर्वेटिव इन्वेस्टर है, फिलहाल वो वेट करना चाहते हैं। तो लेवल्स मैंने आपको बता दिया है, लेकिन कौन से लेवल पर लेना है ये तो आपका डिसीजन रहेगा। लेकिन अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिए और मुझे मोटिवेट कीजिए कि मैं आपके लिए ऐसे ही जोरदार कंटेंट बनाते रहूं।